हेलो जी, वेलकम बैक टू द ब्लॉग और वेलकम टू द मनाली, क्योंकि मनाली से ये ब्लॉग आज का स्टार्ट हो रहा है। और फिलहाल हम मनाली में आ गए थे यार, परसों, दो दिन ऑलमोस्ट हमें मनाली में हो चुके हैं, जिसमें हमने पूरी अपने जो क्लाइंबिंग की हमारी जो भी चीज़ें थी, नेसेसरी चीज़ें थी, वो सब हमने प्रिपेयर कर ली है और बॉडी भी एक्लेटाइज हो चुकी है। फिलहाल यार ये है अपना रूम, गंदगी भरा एज ऑलवेज, हमेशा ऐसे ही रहता है। और मैं आपको दिखाता हूँ पहले बाहर का व्यू, द ब्यूटीफुल मनाली, देख रहे हो सामने बर्फ के पहाड़, सुंदर से पेड़ और ये प्यारा सा होम स्टे। अपना अंकल लोग अभी सामने बैठे हैं, प्यारा सा अंकल क्यारी बैठे हैं और अपना रूम यार, है ना। तो क्या है कि जैसे कि आपको ब्लॉग का टाइटल देख के पता लग गया होगा कि हम इस बार कर रहे हैं फ्रेंडशिप पीक क्लाइंब। मेरा फर्स्ट 5000 मीटर प्लस है, ऑलमोस्ट राइट 5300 मीटर है, 5289 मीटर। सो आज हमारा फर्स्ट डे है जब मनाली से निकलने वाले हैं। आगे की चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। फिलहाल यहाँ से अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 7:30 और 8:15 की जो हमारी टाइमिंग है ट्रैवलर की, जो यहाँ से पहले हमारी 20 किलोमीटर की हमारी ड्राइविंग रहने वाली है। आफ्टर दैट हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा जो आज का है 4 किलोमीटर का लोहाली था आज तक। फिलहाल डुंडी तक हम जाएंगे अभी ड्राइव करते हुए। तो अभी निकलते हैं यार यहाँ से। अपना बैग पैक हो चुका है भाई, पूरा 20 किलो तक है और इसे लेके जाना है इस बार। तो फिलहाल निकलते हैं अभी यहाँ से, मैं आगे आपको दिखाता हूँ ब्लॉग में। हे गाइस, वी आर हियर डुंडी। यहाँ से आप जो ये वाली रोड देख रहे हो ना सामने, ये जा रही है डुंडी के लिए। बेसिकली यहाँ तक गाड़ियाँ आती है अगर रोड सही है, तो यहाँ से अगर गाड़ियाँ आगे भी बढ़ती है। फिलहाल ये डुंडी कैंप साइट है विच कम्स अंडर मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अपनी दो गाड़ियाँ लगी है, कैंपर भी आ गया है। फिलहाल वैली कितनी प्यारी लग रही है। और ये डुंडी का ब्रिज है यार, यहाँ पे इस साइड की वैली और इस साइड की वैली, ये पूरी सोलांग वैली के अंदर आता है। यहाँ से नीचे आपको बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ देखने को मिल जाती है। कितना सुंदर लग रहा है यार ये। हियर वी आर स्टार्टिंग आवर ट्रैक, दैट इज डुंडी की कैंप साइट। बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ तक गाड़ी लाई 1 किलोमीटर आगे। और कितना प्यारा ब्यूटीफुल व्यू है यार, जो ड्राइव में मज़ा आ रहा था ना, यूँ लग रहा था कि ड्राइव ख़त्म ना हो। और फिलहाल इस साइड की बात है, ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, यहाँ से होते हुए आगे जाएंगे। म्यूल्स में सामान वो ऑफ लोड कर दिया है, वो पैक हो रहा है। सभी लोग आगे निकल गए हैं, चलते हैं भाई इससे आगे। 4 किलोमीटर का ट्रैक है, मज़ा आने वाला है। रेडी फॉर द एक्सपीडिशन। पूरी कैंप साइट लगी हुई है गाइस, और ऑलमोस्ट अभी 1 किलोमीटर हमारा डन हो चुका है। काफ़ी तेज हवाएं भी चल रही है, आपको मेरी आवाज़ के साथ सुनाई देंगी। रॉबिन भाई क्या हाल है, हमारे साथ शूट करने आए हैं, पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने और हमारी ब्लॉगिंग चल रही है। ट्रैकर सभी निकल गए हैं रेस्टोरेंट से आगे, किसी को भूख लग गई थी तो पराठे खिलाने। फिलहाल हम निकलते हैं 4 किलोमीटर का ट्रैक है, 1 किलोमीटर में डन कर लिया है और बहुत अच्छे बच चुके हैं। तो पूरे 3:30 बजे तक हम अपनी कैंप साइट पर होनी चाहिए, उससे पहले भी काफ़ी लंच रहेगा, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल निकलते हैं, थोड़ा सा स्टीप पोर्सन है, उसके बाद स्ट्रेट है थोड़ा सा आगे से। चलिए आगे देखते हैं ब्लॉग में कैसा होता है। ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं और अपने म्यूल्स आ चुके हैं वापस, जिन पे अपना पूरा सामान कैरी करके गया था। और कितनी सुंदर वैली है यार ये, पूरी ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकल रही है जो, और बहुत ही प्यारा ट्रैक है। ऑलमोस्ट अभी तो ट्रेल ऐसी है, अभी भी जो रिस्क थी ना वहाँ पर बिल्कुल स्टीप पोर्शन था, यूँ एकदम खड़ा। उसके बाद निकल के अभी आगे निकल रहे हैं, अभी थोड़ा सा प्लेन है। और अब यहाँ से जो हमारी कैंप साइट आने वाली है वो भी बस थोड़ा ही बची है। तो आप जब भी आते हैं थोड़ा प्रिपेयर तो रहना ही है, थोड़ा क्या यार काफ़ी प्रिपेयर रहना है। मतलब अगर आप व्यास कुंड करते हैं तो वहाँ के लिए भी अच्छी खासी फिटनेस लेवल चाहिए, क्योंकि उसका सामने वाला ये वाला रास्ता भी जा रहा है वहाँ से, यहाँ से भी ट्रेल है। फाइनली 3 बजे अपनी कैंप साइट, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ कैंप साइट पहले से लगी है, बाकी अपनी वाली कैंप साइट ऊपर दिख रहा है ना, और इंस्टेंट कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे। बट भाई ये देख लो, आसमान गरज गया है। और ये इससे तो फटती है भाई अपनी, इससे ये जब बोलता है ना तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। मौसम होपफुली सही हो जाए। वैसे जो हमने वेदर फोरकास्ट में देखा था, आज बारिश दिखाई थी, कल से फिर सन है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल कैंप साइट पर चलते अपने। ओके जी, हियर वी आर 7 सिस्टर के सामने अपनी कैंप साइट लोहाल थाज पे।
और देख रहे हो भाई कितने भयंकर ग्लेशियर आ रखे इधर पे, सारी बर्फ आ रखी है नीचे तक। अब वेदर ऐसा हो रखा ना, थोड़ी देर पहले बारिश, अभी थोड़ा सा क्लीन हुआ है। इस साइड को देखोगे आप क्लीन होना शुरू हो गया है, बट इस साइड वैसी कंडीशन है, ऊपर स्नोफॉल भी हो रहा है। और कल हमारी वाली ट्रेल यही है लेडी लेक के लिए, और ये पूरा ब्यास रिवर वाला पोर्शन जो नदियाँ हैं इसमें मिलती है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत माहौल है यार, मज़ा आ गया, लिटरली ब्यूटीफुल हिमाचल, खूबसूरत हिमाचल। सो अपनी कैंप साइट है यहाँ पर, और मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंडशिप पीक है ये यहाँ पर। तो कल जब हम जाएंगे यहाँ से इस ट्रेल से होते हुए ऊपर यहाँ लेडी लेक के पास, और फिर वहाँ से क्लाइंब करेंगे समिट कैंप साइट कहीं, आफ्टर दैट फ्रेंडशिप पीक। और भाई इस पत्थर पे आके क्या ही व्यू लग रहा है भाई, नीचे से वो पत्थर दिख रहा था ना, वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। ओह सेक्सी व्यू, और यहाँ पर ना BSNL का नेटवर्क आता है इस बड़े से पत्थर पर, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ जी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द माउंटेंस, चारों तरफ हिमालय की चोटी और ब्यूटीफुल नज़ारे, ग्लेशियर्स और क्या नहीं भाई। ये हमारे कैंपिंग, और आज का जो है ना भाई ऑलरेडी 9 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है हमारा सुबह से, इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाया एज अ TL चेफ लीडर। आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं यार, और सुबह से उन्हीं सब चीज़ों में बिजी था, ब्रेकफास्ट रेडी करवाना, सबको उठाना, ये सब बताना, 25 सवाल आते हैं। बट अभी सब कुछ हो गया है, और दिक्कत ये है कि यहाँ तक कल तो म्यूल आ गए थे, यहाँ से आगे भी म्यूल जाते हैं। आज जो हमारे जो मैंने कल आपको ट्रेल दिखाई था ना, यहाँ से यहाँ आगे तक म्यूल जाते हैं। बट हो क्या रहा है कि इस पैच के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ है, जिस वजह से म्यूल उससे आगे नहीं जाएंगे, तो म्यूल ले जाने का कोई फ़ोन नहीं है। अभी हमारे पोर्टर आने हैं जो कल रस्ते से आए थे, वो यहाँ से आएंगे, ऑलमोस्ट 9-10 बजे तक उन्हें पहुँच जाना चाहिए था, तो फिर वो सारा जो हमारा यहाँ से लगेज है वो लेके जाएंगे। बाकी स्लीपिंग बैग, मैट हम खुद कैरी करने वाले, अपने रक्सा कैरी करने वाले हैं, हमारे जो ट्रैकर है वो सब करने वाले हैं, क्योंकि उससे बॉडी एक्नोटाइज भी हो जाएगी। और हम यहाँ से जाएंगे यहाँ पीछे लेडी लेक पे। अभी सुनने में आया कि 2 टीम ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो लेट्स सी कैसे कैसे रहता है आगे का सफ़र। और आज हम जो हाइट गेन करने वाले हैं 500 मीटर करने वाले हैं, और ट्रैक रहने वाला है 3 किलोमीटर का। तो फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जैसे पोर्टर आते हैं फिर हम भी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर पोर्टर हमसे पहले, उनका पहुँचना ज़रूरी है, पोर्टर पहले पहुँच जाएंगे तो हॉट लंच रेडी हो जाएगा दिन का, क्योंकि ट्रैकर्स थोड़ा स्लो चलते हैं, पोर्टर्स इतना उठा के भाई वो हमसे पहले पहुँच जाएंगे। तो हिट्स ऑफ टू पोर्टर्स, रिस्पेक्ट है भाई उनके लिए दिल से। फिलहाल ये अपनी कैंप साइट, ये 7 सिस्टर्स का नज़ारा, और इसके पीछे है फ्रेंडशिप पीक जहाँ हमें जाना है। चलिए निकलते हैं, इसके बाद पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। दलिया सैंडविच, दलिया जैम चाय, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। क्या क्या 5-10 एक कार्ड मिल गया, पहले उठा नहीं, पहले नहीं रुकता, तू कर रखा इसने। ओए सो फाइनली कैंप साइट छोड़ के ऊपर निकला है, और ऊपर आके ना मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड को, आपको दिखेगा देव टिब्बा, ये भी 6500 मीटर प्लस हाइट पे, 6000+ मीटर ग्रीन है देव टिब्बा इस साइड पे, ये वाला 200 मीटर का गेन अभी तक कर चुके हैं, और अभी भी 400 मीटर का गेन करना है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के बाद। धीरे धीरे निकल रहे हैं क्योंकि हमारे पोर्टर्स भी आगे चल रहे हैं, लेकिन सी हमारे पोर्टर यहाँ बच गए भाई, तगड़े बंदे एकदम, बाकी पूरे ट्रैकर्स भी निकल चुके हैं। वैली बहुत प्यारी लग रही है भाई, और मौसम क्लाउडी होने लगा है धीरे धीरे इधर से, और सनलाइट ऊपर है, चलो अभी निकलते हैं आगे वो। तो फाइनली वी आर हियर एट लेडी लेक, अब आपको यहाँ का सीन चेक कराता हूँ बढ़िया करके। ये देखो भाई, ये वो लंप है जिसकी वजह से इसे कहते हैं, ये एक लेडी की लेग की तरह दिखाई देता है, दैट्स व्हाई इसे कहते हैं लेडी लेग। हम आए हैं वहाँ गए नीचे से, पूरे ट्रैकर यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि हम अभी कैंप साइट का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ पहले से ही 2 कैंप साइट लगी हुई हैं 2 लोगों की, तो अभी जगह हम ढूंढने गए हैं बंदे, वो देखेंगे कि कौन सी जगह प्रॉपर है जहाँ से पानी भी पास पड़े। बाकी और लोगों की अभी क्लाइंबिंग का सेशन का वो चल रहा है, ट्रेनिंग पीरियड, जो ट्रेनिंग पास करेगा वही आगे यहाँ से मूव करते हैं। और फ्रेंडशिप पीक क्या गए पे, इसके पीछे बादलों में छिपी हुई, बढ़िया सफर था आज का, मज़ा आया। धीरे धीरे चलो, स्लोली स्लोली सब हो जाता है, अब भागोगे ज़्यादा थकोगे। जी आ चुके हैं अपने टेंट, यहाँ लग रहे हैं फिलहाल, ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर लगेंगे क्योंकि जगह घेरी हुई है, तो हमारे स्लोप में लग रहे हैं मोस्टली टेंट,
किचन और डाइनिंग का तो सही मिल गया, और जिनकी चल रही है उनकी चल रही है लूट फेरी यहाँ पर। इधर फ्रेंड से पीके अपना होगा कल ट्रेनिंग सेशन और लूट फेरी जी। फिलहाल शाम के 5:30 बज चुके हैं, यहाँ लगा अपना किचन टेंट, पीछे डाइनिंग टेंट और बाकी ट्रैकर्स के टेंट। ट्रेनिंग पीरियड अभी चल रहा है, अपने अंडे की रेडी पड़ी भाई, तो फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है ट्रैकर्स की। सब कुछ इन्हें पहले बता दिया गया है, ये अभी तक बिजी था, अब इन्हें दिया है प्रैक्टिस सेशन का टाइम, तो अभी प्रैक्टिस चल रही है यहाँ से पूरी। आगे बंटी भाई संभाल रहा है, उधर देख रहा है ना, और पूरे सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। लाइक ये अभी नीचे उतर रहे हैं, तो ये उतरते हैं अपनी एड़ियों पे, एड़ी मारते हैं स्लोप में। ये देखो ये गलत टेक्निक है बिल्कुल जो इस बंदे ने करी। अब जब ये आगे जाएंगे अगर स्लोप होगा तो टो वाली टेक्निक यूज़ करनी है और डक टेक्निक यूज़ करनी है। बाकी गेटर्स और कोफ्लास आप देख रहे हो, मैंने ही पहने अभी। दीज आर गेटर्स, दीज आर कोफ्लास जो क्लाइंबिंग में हमेशा होते हैं। क्रैम्पॉन्स हम कल देंगे ना, परसों वहाँ पर करेंगे हम क्लाइंब, जो भी बादलों के बीच टक चुके हैं। चलिए जी फाइनली इन माई टेंट, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा भाई, सामने हनुमान टिब्बे इतना प्यारा दिख रहा ना, मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगा, कुछ नाइट फोटोग्राफी करी है मैंने। ये अपना बस्ता है भाई, मैं प्रेफर करता हूँ डाइनिंग और किचन में सोना। फिलहाल ये डाइनिंग है और यहाँ पे कुछ और भाई लोग अपने आएंगे, ये अपना स्लीपिंग बैग लग गया है तो अपन सोएगा यहाँ पर। फिलहाल अभी के लिए तो गुड नाइट, ठंडा बहुत है, बर्फ़ के ऊपर मस्त लगा है कैंप, कल का बड़ा हैक्टिक माहौल है तो अभी सोते हैं, कल का माहौल अब कल ही बताएंगे। अपना बिस्तर तो ये है भैया, चलिए शुभ रात्रि। मॉर्निंग फ्रॉम लेडी लैक गाइस। सो हियर वी आर, सांस फूलने लगी है। फिलहाल लीड कर रहा था और अब भाई करेंगे बंटी भाई, यहाँ से सब ट्रैकर्स जा रहे हैं लूट फेरी के लिए। लूट फेरी का मतलब होता है क्लाइंब हाई स्लिप लो, दैट मीन हाई एल्टीट्यूड पर काम करना है और लो एल्टीट्यूड पर आके रेस्ट करना है। पीछे वाला बैच भी है, कैंप साइट हनुमान टिब्बा फ्रेंडशिप पीक। ये है हम, ये है हमारे टेंट यहाँ पे नीचे, और हमने यहाँ पर अपना एक टेंट पिच कर दिया जहाँ पे भाई लोग हैं, और वहाँ से हम फिर वापस लोड फेरी करके निकल रहे हैं नीचे। कल बाकी सामान लेके आएंगे, और अभी ऑलमोस्ट हाइट है 4300 मीटर, मतलब 4300 मीटर पे हमें, कल फिर से यहाँ पे आएंगे उसके बाद चलेंगे। फिलहाल अभी नीचे करेंगे, जाते हैं नीचे उतरना है, वहाँ पर फिर करना है हॉट लंच। तो हाँ जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माउंटेन्स और लेडी लैक कैंप साइट, पूरे टेंट वगैरह इस साइड का। और भाई मैं अभी बताऊं, आज जो है ना हमारा 23 है, तो डे फोर है हमारा, कल हमने लोड फेरी करी थी, आज ऑलमोस्ट अभी 10 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी, और अभी इसके बाद हम लंच करके यहाँ से निकलेंगे समिट कैंप के लिए, तो वो होगा करीब 1-2 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। 2 बजे अगर हम यहाँ से निकलते हैं, इनकेस 2.5 घंटे हमें अपने समिट कैंप पे पहुँचने में लगते हैं, तो फिर भी लेके 4:30-5 बजे तक हम वहाँ रहेंगे। 5 बजे के बाद हम हल्का फुल्का जो भी ऊपर, क्योंकि डिनर का वैसा रहेगा नहीं, देखते हैं क्या होता है, हल्का फुल्का जो यहाँ से पैक करके लेके जाएंगे, आफ्टर दैट वो लेने के बाद हम करेंगे रेस्ट, फिर हम समिट पुश करेंगे। 6-7 बजे हम सो के समिट पुश करेंगे, उसकी टाइमिंग हम ऊपर देख के ही डिसाइड करेंगे कितने बजे करना है। फिलहाल ये देख रहे हो सामने, अभी अभी मौसम साफ था, और यहाँ पे फ्रेंड से पी के ना तो एकदम से पूरी धुंध छा गई है, तो दिक्कत यही होती है। इस धुंध में क्या होता है कि अपने सामने 1-2 मीटर पे सामने वाला बंदा होगा ना, वो भी दिखाई नहीं पड़ता, रास्ता चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी भी आओ, कभी कहीं भी जाओ, रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, आप पहाड़ वहीं रहेंगे, आप कभी भी दोबारा आ सकते हो, पर एक बार जान चली गई तो वो नहीं आ सकती। तो ये ऐसा ही कुछ सीन इधर है। और फिर आज ये वाले जो ग्रुप है ये समिट पे, हम कहीं सुबह देख रहे थे कि इधर इधर पे कहीं पर थे, आई थिंक इनका समिट हो नहीं पाया, लेट्स सी क्या होता है आगे। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा और रेस्ट करके फिर निकलेंगे यहाँ से लंच करके। एवलांच इन फ्रंट ऑफ अस, वो थोड़ा सा कैमरा देर को लगा, ये पूरा ऊपर से नीचे आया अभी। इट्स ऑलरेडी 3:41 एंड वी आर गोइंग टू समिट कैंप। जयंत हाउ आर यू फीलिंग? ऑसम ऑसम। टायर्ड? लिटिल बिट। सो लीडिंग द बैच फॉर लेडी लैक टू समिट कैंप। छोटे मोटे वाला आए थे भाई, रॉक फॉल हुआ था इस साइड और हनुमान टिब्बा और इस 7 सिस्टर वाली पूरी, उस पर तो कल परसों सो रहा था। फिलहाल हम दोनों आ गए और बैच पीछे जा रहे हैं। ओके
हमारे कैंप वहाँ पीछे वहाँ पे, और कल जो कैंप छोटा था उसके पास जा रहे हैं। होपफुली 5:30 तक हम अपने समिट कैंप पे होंगे अभी, उसके बाद रेस्ट करेंगे देन समिट पुश। पहाड़ों में मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, फिलहाल ख़राब तो नहीं है, धुंध छाई हुई है आधे घंटे के अंदर, और लाइक हमें हमारे 100 मीटर पीछे के बंदे दिखाई नहीं दे रहे हैं। फ्रेंड से पीछे, और यहाँ पूरा वाइटिस हो गया है भाई। ऐसे में रूट का पता लगाना और डायरेक्शन देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलते हैं अभी, मज़ा आ रहा है। तो जी ये समिट कैंप है, समिट कैंप पे अपने कैंप लग चुके हैं। ये यहाँ पर 3 टेंट, एक पीछे ये चौथा, उधर हनुमान टिब्बा है, इस साइड से कल रास्ता बन के जाएगा, उधर फ्रेंडशिप पीक है। समिट कैंप पे भाई ऐसा नज़ारा है कुछ, ऑलमोस्ट 4300 मीटर पे। तो 4300 मीटर पे हम बिल्कुल पैक, अभी 8 बज रहे हैं, 2 बजे हमने समिट पुश का टाइम निकाला है। देखते अभी तक तो वेदर ऐसा होता, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, बट अभी साफ हो गया है। अभी उस साइड को 7 सिस्टर के अपोजिट साइड में, उस साइड को ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल ये अपनी कैंप साइट, डिनर में अभी मैगी चली है। अब भाई नीचे पे ना लाइट जल रही है कहीं कैंप साइट, कैमरे पे दिखाई नहीं दे रही अभी, बट वहाँ जल रही है, तो नीचे जो कैंप साइट है लेडी लेक की वो दिख रही है। बाकी अभी सोते हैं क्योंकि सुबह उठना है। सो इट्स 2:30 इन द नाइट, कैंप साइट इज हियर, लिविंग राइट नाउ। 1 बजे लौटे हैं, पूरे सेटलमेंट करते करते 2:30 बज गए। ये सब ट्रैकर्स को पहनाते पहनाते यार पूरा 1.5 घंटा लग गया। फिर ब्रेकफास्ट अभी अभी निकलना शुरू है, और बंटी भाई गाइड कर रहे हैं आगे को। ये यार जैसे उजाला होता है धीरे धीरे अपडेट देता हूँ आपको आगे के। ओके जी, फाइनली वी आर हैव एट द कोल। कोल कनेक्ट करता है फ्रेंडशिप पीक का, जो समिट यहाँ पर सामने हमारा समिट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। सन आ गया है, इसके बाद भी काफ़ी टाइम लगता है, और इट्स ऑलवेज अबाउट टीम स्पिरिट, तो टीम गेम होता है। बाकी ये हनुमान टिब्बा, धौलाधर रेंज, और ये पीर पंजाल रेंज पूरी, अभी पूरा 75% स्लोप था, और यहाँ से ये पूरा 80% हो जाता है। बाकी अपना समिट पॉइंट ये रहा। अब सभी लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचा रहे, और बेस्ट थिंग ये है यहाँ पर कोल पे भाई नेटवर्क आता है। अब यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे, अभी आपको आइडिया लग जाएगा कितना मुश्किल है यहाँ से, बट क्रैम्पॉन से काफ़ी मदद मिल जाती है यार। हनुमान टिब्बा देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सामने, और इस साइड पे यहाँ पे देव टिब्बा ये वाला, और बगल में सूर्य दर्शन पीक। वाह यार, चलिए फिलहाल डिसेंड करते हैं यहाँ से, फिर मिलता हूँ आपको आगे। एक्सपीडिशन हो चुकी है ख़त्म, और हम आप पहुंच चुके हैं मनाली में। ये नेक्स्ट डे है, कल अपने सारे काम वाम निपटा दिए थे यार, उसके बाद हम आ गए थे मनाली। तो ब्लॉग अभी डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि पूरे एक्सपीडिशन ख़त्म होने के बाद इतना काम हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिला फ़ोन पे छेड़ने का। बट एक चीज़ हमारे साथ क्या हुई थी कि मेरा फ़ोन खो गया था एडवांस बेस कैंप से नीचे वाले रिज पे, क्योंकि वहाँ मैं फिसला था, और वो इतना महंगा पड़ गया था। जब मैं लेडी लेग वाली कैंप साइट पर आया मुझे तब जाके पता चला, बट आफ्टर दैट मैं फिर से एडवांस बेस कैंप गया, और शुक्र है भगवान का महादेव का कि फ़ोन मिल गया, क्योंकि उसके बाद ये डेटा वगैरह सब कुछ कुछ भी नहीं रहता, इतनी मेमोरीज और इतना कुछ, इतना
इम्पॉर्टेंट जो काम आपका फ़ोन रहता है यार, मतलब आप विदाउट नेटवर्क वाले में तो गुजार लो, बट जैसे नेटवर्क में आते हैं ना तो फ़ोन का डिमांड ज़रूर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर रुके हैं, इसके बाद हम निकलेंगे देहरादून के लिए। एक्सपीडिशन हमारी ओवर हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैंने आपको सब कुछ बताया फ्रेंडशिप पीक के बारे में, तो जिसे भी जाना है उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत ही सुंदर ट्रैक मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।